हाय गाइस, गुड इवनिंग. माय नेम इज नरेंद्र कुमार. वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी स्टूडेंट्स वर्ल्ड. कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आपने ईडियम्स वाला 20 ईडियम्स वाला सेशन अटेंड किया होगा. एंड और जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आई हैव अ रिक्वेस्ट एंड अ सजेशन फॉर यू. गो टू माई प्ले लिस्ट एंड वॉच ऑल माई प्रीवियस वीडियोज़. ओके, अल्टीमेट सुपर ऑसम ट्रिक्स हैं. विद इन सेकेंड यू कैन सॉल्व एनी थिंग. आज भी हम लोग वही करने वाले हैं. मैंने जो पहले कुछ आपको पढ़ाया था वो रिवाइज कराने वाला हूँ मैं आपको. इट्स अ रिविजन क्लास. ओके, एंड रिविजन ऑफ ट्रिक्स, रिविजन ऑफ क्वेश्चन, एवरीथिंग. ठीक है, हम लोग इतना सब कुछ आपको पढ़ाते जा रहे हैं, अगर रिवाइज नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो सारी ट्रिक्स को दोबारा से रिवाइज करूँगा, सारी कहानियाँ मैं आपको फिर से बोलने वाला हूँ. इफ़ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, यू विल इन्जॉय द वीडियो बिकॉज यू नो द स्टोरी एंड यू विल बी स्माइलिंग. एंड इफ यू आर द न्यू वन, यू विल ऑल्सो हैव अ रीजन टू स्माइल. ओके, चलो लेट्स गो फॉर इट. सो गाइस, दिस इज अ वंडरफुल टीम. ओके, फॉलो ऑल दिस वंडरफुल एजुकेटर फॉर करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस and for the reasoning, for the quant or for English, Nimisha ma'am and Narendra Kumar main hoon. ठीक है, तो आप follow करते रहिए. It's a one stop solution for you, complete solution for you. Okay, and if you want complete classes of all these educators including mine, so what you do, subscribe to Unacademy, use my coupon code Naren Live और मेरी सारी क्लास आपको वहाँ पर मिल जाएंगी. awesome awesome ट्रिक्स आप सीख सकते हो. हमेशा मैथ में ट्रिक्स होती थी, रीजनिंग में ट्रिक होती हैं, इंग्लिश में कभी आपने ट्रिक्स नहीं सुना था. फॉर पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रीशन, पैराग्राफ कम्प्लीशन और आज वाले क्वेश्चंस. ओके, एंड इन्फ्रेंस बेस्ड, फ्रेज कनेक्टर, मैच द कॉलम, सेंटेंस जम्बल्स, हर किसी के लिए मेरे पास ट्रिक्स है. मेरा रीडिंग कॉम्प्रीशन पढ़ के चले जाना, कोई चांस ही नहीं है गलत हो जाए आपसे. यू विल ऑलवेज हैव करेक्ट आंसर. ठीक है, वो भी कम टाइम में. ठीक, अगर आपने रीडिंग कॉम्पिटिशन देखा हुआ है प्लीज़ बताओ, यस सर हमने देखा हुआ है. और कैसे वॉच करना, यू नो द स्टोरी, गो टू प्लेलिस्ट. ऑलराइट, चलो. ओके, सो ये टॉपिक है आज मेरा. डिसाइड किया हुआ है कि एक 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 टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और मैं उनको विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा. कि इफ़ यू रीड दैट पैराग्राफ इट विल टेक यू 20 लाइक मोर देन 2 मिनट्स. ओके, बट विद द हेल्प ऑफ माई ट्रिक्स you can solve within 60 seconds and it's an achievement. Okay, or even if you're an average student, that is the interesting part. kitna bhi aap kamzor ho padhne mein, tab bhi aap usko solve kar sakte ho within second. theek hai, lekin usse pehle kafi kuch sikhna padega, meri baatein sunni padengi, mere tarike se sochna padega. are you ready for that? chalo dekhte hain aap ready ho ki nahi. हाँ, तो मैं स्पेशल क्लासेस भी कराता हूँ अनअकैडमी ऐप पे. सो व्हाट यू डू, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप. ऑन दैट ऐप यू विल फाइंड द क्विज, डाउट क्लासेस, ओके, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग. जब आप प्लस को ज्वाइन कर लोगे, मेक श्योर आपका कोई ब्रदर सिस्टर है, कोई भी जो इंग्लिश में फेल होता आ रहा है, SSC, बैंक एग्जाम, किसी भी एग्जाम फेल हो रहा है, उसको बोलो कि नरेंद्र सर का इंग्लिश कर लो. ऑफकोर्स आई टीच इन बैंकिंग कैटेगरी, तो बैंकिंग में ही एडमिशन मिलेगा. लेकिन अगर आपको ओनली इंग्लिश चाहिए तब भी आ जाओ, और अगर आप बैंकिंग वाले हैं तब तो आपको करना ही करना है. ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ आपको क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ मिलने वाला है. मोर देन 50 एजुकेटर्स, वंडरफुल, बेस्ट एजुकेटर ऑफ इंडिया. ओके, एक सिंगल टिकट एंड यू कैन वॉच ऑल द मार्वल सीरीज. ठीक है, कैप्टन अमेरिका से लेकर के टोनी, हर किसी को आप देख सकते हो. ऑलराइट, चलो, जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं. हाँ गाइज, दिस इज माई प्रोफाइल. ओके, 12 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं, रात को 9 बजे डिस्कस करते हैं. ठीक है, दोनों टाइम लाइव रहो, सारे वीडियोस देखते रहो. जो भी वीडियो आपको पसंद आता है अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कर दिया करो. हमारे चैनल को और आगे बढ़ाओ. ठीक है, चलो. हाँ, ये मैं आपको बता रहा था, डाउन अनअकैडमी आप डाउनलोड करने के बाद में बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में जाना. अगर आपने डाउनलोड किया है तो अपने ब्रदर सिस्टर जितने भी लोग हैं उनको गाइड करो. ठीक है, ये आप उन पर बहुत बड़ी मेहरबानी करोगे, बिकॉज यू डोंट रियलाइज, उनको आइडिया नहीं है कि उनका कितना लाइफ चेंज हो जाएगा, कि एक सिंगल आपके हेल्प से उनका कितना बड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा. ऑलराइट, ओके, एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्विज, डाउट, लाइव डाउट क्लासेज, टेस्ट सीरीज. और बेस्ट पार्ट है जो अनअकैडमी प्लस है, पैड प्रोग्राम, वहाँ पर क्या है, आप वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन वॉच कर सकते हो एनी टाइम. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. एक सिंगल फ़ोन, एक हेडफोन और एक ब्लैंक पेन पेपर भी दियो, इट विल चेंज एवरीथिंग अबाउट यू. ठीक है, लोग IAS बन सकते हैं इतनी सी स्टोरी से. हमारे IAS का भी, अच्छा एक और बात, आप कोई सा भी, आपका ब्रदर सिस्टर फ्रेंड कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहता है, दे कैन यूज़ माई कोड नरेन लाइव. इस डिस्काउंट सेम 10% सबको मिलने वाला है, चाहे किसी का भी कोड लगाओ. ऑलराइट, चलो, डिस्काउंट्स क्या है, आपको इनकरेज हो जाओगे और आपको हेल्प मिल जाएगा. हाँ गाइज, दिस इज़ माई प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को आप लोग फॉलो करो.
ओके एंड ये एक कोर्स है, इस तरह के मैंने तीन चार कोर्स वहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। उन सारे कोर्स को वॉच कर लिया ना तो आप कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे, आई डोंट लाइक ग्रामर, आई मैं बोर हो जाता हूँ, ये बड़े बड़े पैराग्राफ समझ में नहीं आते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सर जी बहुत परेशान करता है, ये क्वेश्चंस आप कभी नहीं करोगे। यू विल से सर आई एम ऑसम, थैंक यू, आप थैंक यू बोलने आओगे, ठीक है, ऑल राइट। और आप बहुत सारे लोगों को गाइड करोगे ऑल योर लाइफ, ठीक है। ये मेरा कूपन कोड है, इसको आप लगाना, ठीक है। देखो 1 ईयर के लिए कितना शो कर रहा है, 500 पर मंथ, 500 पर मंथ सोच रहे हो आप, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, आपको अगर एवरेज निकालो तो, और उसमें भी कूपन कोड लग जाएगा तो और कम हो जाएगा फीस। यू कैन गो फॉर 1 ईयर एंड फॉर 2 ईयर एज वेल। चलो आज का टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, कैसा दिखता क्या है ये, फिर इसकी ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुनो, स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या हुआ था, ये क्वेश्चंस मैं क्यों पढ़ाता हूं, ये क्वेश्चन आपको आने वाले हर क्वेश्चन न्यू टाइप के लिए एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर आपका बनाएंगे। आप लोग, एक होता ना कि एक जब हम लोग बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक बेसमेंट होता है स्ट्रांग, ये वो क्रिएट करता है आपका, ठीक है, और आपके चेहरे पर स्माइल लेके आएगा, बेस्ट पार्ट ये है। तो कहानी सुनो क्या होता है, हम छोटा सा पहाड़ तोड़ दिए तो कोई बड़ी बात नहीं, माजी द माउंटेन में बड़ा पहाड़ तोड़ देंगे तो फिर बहुत अच्छी खुशी होती है, फिर सब आपका नाम हमेशा लिया जाएगा। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह से, ठीक है, सेंटेंस फ्रेगमेंट होते हैं, एक फ्रेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक सिंगल सेंटेंस है, वो ऑर्डर में नहीं लिखा, वो टुकड़े हैं, टुकड़ा 1, टुकड़ा 2, 3, 4, रैंडम ऑर्डर में है, नॉट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाट डू वी डू, ओके, यूज दिस इंफॉर्मेशन, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करो। ओके, ये चेंज हो रहा है, नो प्रॉब्लम, हम वेट करेंगे। हाँ, देख रहे हो आप लोग, ये वाला, ये जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी हो सकता है। यूज दिस इंफॉर्मेशन, आई कॉल इट रॉ मटेरियल। आओ भाई, मैं बार बार आपको बोलने वाला हूँ, रॉ मटेरियल, ओके, ये रॉ मटेरियल है, इसको यूज करना है, मेक अ सिंगल सेंटेंस। ओके, ये जो मैं नेक्स्ट 5 मिनट तक स्टोरी बताने वाला हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली, ये कहानी याद रहेगी, क्वेश्चन नहीं। ऑलराइट, इस कहानी को याद करके आप लोग पता नहीं कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे, यू हैव नो आइडिया, बट आई नो इट। चलो तो एक बात बताओ, मैं, आप मास्टर शेफ इंडिया में या मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैंने आपको 4 इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, और उन सब से आपको एक डिश प्रिपेयर करनी है। तो एक बात बताओ, क्या उन 4 और 5 जो आइटम मैंने आपको दिए हैं, कैन यू यूज एनी एक्स्ट्रा अदर देन दैट? नाउ तुम, मैंने जो आपको 5 आइटम दिए हैं ना डिश बनाने के लिए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकते हो। माई पॉइंट इज कि जब आप नीचे ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, दिस इज रॉ मटेरियल 1, 2, 3, 4, 5 फॉलोड बाई ABCDE 5 sentences, फाइंड आउट विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंग वाइज कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। ओके, कौन सा सेंटेंस ये वाली ग्रामर यूज कर रहा है जो यहां मैंने दे रखी है, रॉ मटेरियल, बेसिक मटेरियल, उसी ग्रामर को यूज कर रहा है, एंड कौन सा सेंटेंस यहां इस वाली बात को लॉजिकली, मीनिंगफुली, फ्लो में कनेक्ट कर रहा है। हमें 5 चूज करने हैं और 5 बड़ा क्लोज होने वाले हैं। तो यार ये तो बहुत टाइम खा जाएगा, 3 लाइंस तो उधर हैं, 3 लाइंस और 3, 3, 3, 3, 18 लाइंस, इट्स रीडिंग कॉम्प्रेशन हो जाएगा, RC इतना बड़ा होता है ना। अब ये एक नंबर का रखा है यार, आप लोग तो देखते ही छोड़ दोगे इसको, बट इफ यूर माई स्टूडेंट, अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है, ठीक है, तो आप नहीं छोड़ोगे, यू विल बी स्माइलिंग, अरे मुझे सर की अप्रोच पता है। अब अप्रोच स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ पे 5 आइटम दे रखे हैं, 4 आइटम वही तो यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे, और स्टोरी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, स्टोरी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सपोज ब्रोकन, BROKEN, सपोज क्या लिखा हुआ है, ब्रोकन, तो और यहाँ पर लिखा है ब्रेक्स, BREAKS, ब्रेक्स, ब्रेक्स सिंपल प्रेजेंट, ब्रोकन पास्ट चला गया, क्या लगता है, टेंस चेंज हो गया, आई एम सॉरी ए रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि टेंस चेंज मतलब स्टोरी चेंज, स्टोरी चेंज नॉट अलाउड एट ऑल, थैंक यू। ओके, इधर आ जाओ, इसने कर दिया ब्रेकिंग, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया इसने, चलो ब्रेकिंग न्यूज, बी ऑप्शन रूल्ड आउट, क्योंकि मेरी स्टोरी तो पास्ट थी, तो मेरा नीचे भी टेंस पास्ट ही होना चाहिए। यू आर नॉट सब, टेंस चेंज मीन्स स्टोरी चेंज, टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है।
ओके तो ऊपर जो हिंट है तो हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ये जो दिख रहा है ना, ये वी विल स्टडी रॉ मटेरियल वेरी केयरफुली बी, ठीक है. व्हाट डज दैट मीन व्हेन आई से स्टडी, लुक फॉर द वर्ब्स, लुक फॉर द आर्टिकल्स, द प्रीपोजिशंस. अगर ऊपर प्रीपोजिशन एट है, इन है या कुछ भी, और नीचे गलत प्रीपोजिशन कर दी, सच एज होता है और किसी ने लिख दिया है सच इन सच ऑफ, गलत हो जाएगा. यस और नो, सब लोग बताओ गलत होगा कि नहीं, समझ गया. तो अगर टेंस चेंज हो गया तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. स्टोरी ऊपर प्रीपोजिशन चेंज हो गई तो ये स्टोरी चेंज हो जाएगी. मानते हो? प्लीज टाइप इन कमेंट सेक्शन के यस सर वी एग्री कि इफ टेंस चेंज स्टोरी चेंज इनकरेक्ट, प्रीपोजिशन चेंज इनकरेक्ट. अब मैं इनका क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये वर्ड्स इजिली नोटिसेबल हैं. ओके अब मेरी नई बात सुनो कि सर हम लोग तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप तो बोल रहे हो कि 60 सेकंड में सॉल्व कर देंगे हम इसको. तो देखो वर्टिकल रीडिंग अप्रोच, अब कहानी में विराट कोहली आता है, समझा कि नहीं, द हीरो आता है स्टोरी में, द कैप्टन. आओ चलो, अब वर्टिकल रीडिंग अप्रोच क्या होता है, चलो ये सब मैं हटा देता हूं. हाँ सुनो भाई, ये मेरे पास में, ओहो वेट वेट, हाँ 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 सेंटेंस लिखे हुए, 3-3 लाइन वाले, 15 लाइन्स है. और यहाँ पे मुझे ब्रोकन था, ठीक है, तो मुझे टेंस चेक करना था. तो मैंने क्या करूँगा कि इफ़ आई रीड लेफ्ट टू राइट इट विल टेक टाइम, इट विल कंज्यूम ऑल माई टाइम. वट अगर मैं इसको टेक्स्ट, इसको मैं ब्रेक कर दूँ टू कॉलम्स, कॉलम वन कॉलम टू, देख रहे हो कॉलम वन कॉलम टू. इफ आई स्कैन वर्टिकली, तो ब्रेक ब्रेक्स अगर कहीं रास्ते में होगा तो मिल जाएगा, पकड़ जाएगा तुरंत, विद इन सेकेंड यू कैन स्कैन मैक्सिमम टेक्स्ट. यस और नो? ओके नाउ इधर आ जाओ, इधर स्कैन करो. आपने ब्रेक ब्रेक्स ब्रोकन ब्रेकिंग कर लिया कवर? यस. तो एक दो तो गया टेंस बेस्ड पर, एक तो गया, ऑप्शन रूल्ड आउट, इलिमिनेटेड. नेक्स्ट प्रीपोजिशन चेक करते हैं. आपको पता है यहां पे आपके पास क्या लिखा था, सच एज, तो सच के बाद एज आना चाहिए. अब आप चेक करने आओगे सच एज, एक दो में तो सच एज लिखा हुआ, किसी ने सच इन सच ऑफ कर दिया है, रूल्ड आउट हो जाएगा. लेफ्ट राइट कभी नहीं चेक करोगे, वी विल चेक लेटर ऑन, बट फर्स्ट रीडिंग में वी विल यूज वर्टिकल रीडिंग अप्रोच. गॉट माई पॉइंट? चलो तो वर्टिकल रीडिंग अप्रोच टाइम सेव करता है. ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे दो तीन ऑप्शन गायब हो जाएंगे. फिर द पॉसिबिलिटी, नॉट द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर आउट ऑफ टू इज हायर इन द कंपेरिजन ऑफ फाइव ऑप्शन. पांच में से बड़ा मुश्किल है करेक्ट आंसर लाना, दो में से बड़ा आसान है, वी कैन इजिली कंपेयर. क्लियर? चलो सो वर्टिकल रीडिंग अप्रोच समझ गए सब लोग? प्लीज टाइप कि यस सर वी अंडरस्टूड वर्टिकल रीडिंग अप्रोच, वर्टिकल रीडिंग वी आर ए, टाइप इन कमेंट सेक्शन वी आर ए. स्लोली स्लोली मेरी कहानी सुन लो, सब क्लियर हो जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे हमेशा फेल हो जाओगे. कहानी सुन ली, कहानी पसंद आ गई तो फिर ऐसे हजारों क्वेश्चन करके आ जाओगे. रेडी? चलो हमेशा पेशेंस पेशेंट रखो. ऑल राइट, एक बात और अभी मेरे को कहना रह गया है, फिर मैं अभी क्वेश्चन आपको शो करता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा और एक और बात बची है, वर्ब अप्रोच, टेंस अप्रोच, प्रीपोजिशन अप्रोच, वर्टिकल रीडिंग अप्रोच, तीन बातें डिस्कस हो गई. एक बात बताओ भाई लोग, देर आर फाइव एजुकेटर्स, अनअकैडमी एजुकेटर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? फोर एजुकेटर्स जो लोग हैं उन्होंने क्या है, टुक्सिडो पहना हुआ है, यहाँ पे बो टाइज पहनी हुई है, हैट लगाया हुआ है, ठीक है, बो टाई टुक्सिडो सूट पहने हुए हैं, थ्री पीस सूट, और एक मैं खड़ा हूँ, और मैंने ये अनअकैडमी वाला आइकॉनिक टी शर्ट पहना हुआ है. अब बताओ, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये लोग सही है, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन दीज गाइज आर वेल ड्रेस्ड, या फिर मैं सही हूं, दो ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं? माई पॉइंट इज ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस. देखो ये वाला सेंटेंस हमको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस देखो, ये बी सी डी ए. देखो हर जब भी एक सेंटेंस लिखा जाता है एक ओपनिंग होता है कि नहीं? देर इज ऑलवेज ओपनिंग, ऑफकोर्स. और एक और बात सुनो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, द फोकस्ड आइडिया ऑलवेज ऑलवेज कहां लिखा होता है, फ्रंट पर बैठा होता है. मोदी जी हमेशा, आर प्राइम मिनिस्टर, बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर,
कहाँ बैठेंगे? हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे, समझा गई? द मोस्ट द बीवीआईपी पर्सन हमेशा फ्रंट पर बैठता है। तो वैसे ही समझ लो कि एक सेंटेंस जब भी लिखा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया यहाँ बैठता है। हम फोकस्ड आइडिया यहाँ से पकड़ेंगे, रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल पता चलेगा, हे इस बात पर फोकस हो रहा है, दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, दिस इज द शाहरुख खान ऑफ द स्टोरी, दिस इज द लीडर ऑफ द स्टोरी, द मेन थीम दिस कीवर्ड। तो वो कहाँ होना चाहिए था? फ्रंट पर होना चाहिए था। तो आप नोटिस करोगे कि यार यहाँ पे जो मैच कर रहा है हमारा मेन आइडिया वो तो ठीक है, अगर डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन अप्रोच। हम जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, सपोज यू आर वॉचिंग माई वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपका कोई ना कोई फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा ना, सही गलत बोरिंग अच्छा इंटरेस्टिंग वंडरफुल कुछ तो। तो फर्स्ट इंप्रेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि हर सेंटेंस का हम लोग मुखड़ा देखेंगे, उसका फेस देखेंगे हम लोग, हे हाउ आर यू, यू लुक स्टूपिड, यू लुक ब्यूटीफुल, बिकॉज तेरे पास वही कीवर्ड है जो ऊपर रॉ मटेरियल में था। प्लीज टाइप फर्स्ट इंप्रेशन अप्रोच। यस सर, फर्स्ट इंप्रेशन समझ में आ गया। हम लोग कंपेयर कर लेंगे, चार ऑप्शन एक वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, एक डिफरेंट है, या तो डिफरेंट वाला करेक्ट है या फिर वो चार करेक्ट है, तो डिफरेंट वाला रूल आउट हो जाएगा। थैंक यू। अब ये इतनी मेरे पास बात थी, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्विकली, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है? इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू सॉल्व स्टेटमेंट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन केयरफुली, यस, यूज वर्टिकल रीडिंग अप्रोच, यस, ओके, लुक एट द ओपनिंग, फोकस्ड आइडिया, इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, ओके, नोटिस द वर्ब फॉर्म, प्रीपोजिशन, यस, इलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शंस, जो इनकरेक्ट है, जो जिसका प्रीपोजिशन गलत है, टेंस गलत है, इसका मेन आइडिया फ्रंट पर नहीं बैठा हुआ है, रूल्ड आउट, ठीक है? कंपेयर द रिमेनिंग ऑप्शंस, अब जो बचे हुए ना पांच में से उनको कंपेयर कर लो, ठीक है, हो जाएगा। आओ मेरे सामने ये रखा हुआ है, ठीक है? अगर आप अगर इस वीडियो को लाइव वॉच कर रहे हो तो आप ट्राई करो, अगर आप ऑफलाइन वॉच कर रहे हो लेटर ऑन तो पॉज करो और ट्राई करो इसको, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे कई सारे क्वेश्चंस कराने हैं। स्टिल आई गिव यू टाइम एवरीवन, ओके, अमिड इंडिया प्रिपरेशंस, ओके, ये क्या है, प्रिपरेशंस फॉर अ मैन्ड स्पेस मिशन सर्व्ड एज अ रिमाइंडर। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्व्ड, नोटिस द टेंस द वर्ब, अगर नीचे टेंस चेंज हो गया तो पंगा हुआ कि नहीं सर? अब बोलोगे सर बहुत परेशान लग रहा हूं, इतना टेक्स्ट कैसे पढ़ूंगा? यस यू कैन डू दिस, वर्टिकल रीडिंग अप्रोच, टू कॉलम्स में लेके आओ, सर्व्ड एज अ रिमाइंडर ऑफ द पैरल्स, द रिसेंट फेलियर ऑफ रशियन रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी का चैलेंजेस इन्वॉल्व इन एवरी स्पेस फ्लाइट, ठीक है? अब मैं काम करता हूं, सर्व्ड जो वर्ड है ना उसी को सर्च कर लेता हूँ, अगर टेंस चेंज हो गया तो एक दो तो गायब होगा कि नहीं? आई कैन इलिमिनेट वन और टू ऑप्शंस। आओ तो चलो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, दिस इज आवर कॉलम वन, दिस आर कॉलम टू, ठीक है? रिसेंट फेलियर ऑफ रशियन रॉकेट, मैं इस तरह से आ रहा हूँ, कहीं पे आपको सर्व दिख रहा है? कैन यू सी? मेरा तो पास में स्क्रीन है तो आई कांट फोकस। चलो इधर आ जाते हैं, इधर ना दिखा तो इधर आ जाएगा, हैज सर्व्ड, ईडी तो लगा है, ठीक है ना? ओके, एमिड इंडिया प्रिपरेशन मिशन रिसेंट फेलियर, ओके, इसमें हैज शब्द लिखा हुआ है, ओके, ऑलराइट, ठीक है ना? इट्स सर्विंग, ये वाला तो रूल्ड आउट हो गया, सर्विंग लिखा है कि नहीं? ये रूल्ड आउट हो गया, टेंस चेंज हो गया तो रूल्ड आउट हो गया। हम पढ़ेंगे, वी विल रीड, लेकिन लेटर ऑन, पहली नज़र में प्यार होता है, हम पहली नज़र में रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना? लव एट फर्स्ट साइट, नो, My approach is rejection at first sight. Please type in comment section. Yes sir, rejection as first sight करेंगे, पहली नजर में reject मार दो उसको। चलो ये वाला गया, और सुनो ये वाला भी गया, ये serving लिखा हुआ है, ठीक है ना? सबको दिख रहा है serving, serving और serving, दो लोग तो गए, अब मेरे पास ये और ये बचता है, agree करते हो? Please type कि sir C or D ruled out, ए और बी रिमेनिंग, प्लीज टाइप सी डी रोल्ड आउट, और विद इन 10 सेकेंड, ओके 20 सेकेंड। चलो अब हमारे पास ये बचा हुआ, इनको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने का तरीका देखो, हाउ डू आई कंपेयर, एक लाइन इसकी पढ़ूंगा, एक लाइन इसकी, इस तरह से द द यू यू आई आई, इस तरह से कंपेयर करना है, कहीं ना कहीं टेढ़ा दिख जाएगा, उसे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कहाँ करेंगे हम लोग? इधर आ करके। चलो हाँ, तो द रिसेंट फेलियर ऑफ रशियन रॉकेट लॉन्च, ओके, एमिड इंडियाज प्रिपरेशंस फॉर ए मैन्ड स्पेस,
फर्स्ट इम्प्रेशन, अब दोनों का अलग ओपनिंग हो रहा है, अब सर बड़ा डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं इसकी सुनूँ कि इसकी सुनूँ। हे तुम रॉ मटेरियल की सुनो, एमेड इंडिया प्रिपरेशन कीवर्ड एजिट लिखा हुआ है, यही फोकस्ड पॉइंट है, तो ये वाला करेक्ट हो गया, ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। फोकस आइडिया, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे फ्रंट पर रखे होने चाहिए थे, थैंक यू। ठीक है, चलो। तो एमेड इंडिया प्रिपरेशन फॉर अ मैन स्पेस मिशन, द रिसेंट फेलियर ऑफ अ रशियन रॉकेट लॉन्च हैज सर्व्ड अ रिमाइंडर ऑफ द पैरल्स एंड पैरल्स द डेंजर्स एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंज इन्वॉल्व्ड इन एवरी स्पेस फ्लाइट। एमिड इंडिया इंडिया का प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन एक फेलियर ने एक रिमाइंडर दिया हुआ है। चलो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। दीज टू ऑप्शन रूल आउट बिकॉज ऑफ टेंस चेंज, और ए और बी में बी नोटिस द फर्स्ट इंप्रेशन। तो बी वाला वही वाला बात को फोकस कर रहा है जो ऊपर लिखी हुई थी, थैंक यू। इस वाली बात को बीच में आना चाहिए था, ये हीरो बन गया है, समझे कि नहीं स्टोरी। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, छोटा पोस्ट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर पहले बैठना चाहिए। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ज़्यादा एक्साइटेड होकर के फ्रंट पर बैठ गया है, उसको पीछे धक्का मारो, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट एवरीवन, ओके। ब्यूड, जब जब मुझे प्रीपोजिशन और वर्ब मिलेगा आई विल बी एक्साइटेड, बिकॉज टेंस चेंज हुआ तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। चलो, ब्यूड द चॉइस ऑफ अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस ऑप्स एज ओके एज ऑफसेट पार्टनर एज मैंडेटरी टू ऑब्टेन द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट सेज टेंस रिपोर्ट बाय द फ्रेंच इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जनरल मेडी ओके डिजल्ट ऑब्वियसन द फ्रेंच मेकर ऑफ द रफाल जेट्स। अब ये कहानी है, अगर मैं सारे ऑप्शंस पढ़ने जाऊंगा समुंदर में डूब जाऊंगा मैं, बट आई विल यूज ओके यू विल यूज माय अप्रोच, ठीक है ना। वर्टिकल रीडिंग अप्रोच करके आप है ना एक दो वर्ड देखोगे, ब्यूड चेक कर लेते, ईडी लगाए, क्या पता कुछ गलत हो जाए, ठीक है। यू आर वेलकम। चेक करो लास्ट वाले में, देखो कहां लिखा है। ठीक है, वाइल द चॉइस ऑफ अनिल अंबानी रिलायंस ओके ऑफसेट पार्टनर वॉज मैंडेटरी टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट बाय द फ्रेंच इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ओके। अच्छा, इसमें तो ब्यूड मिसिंग है शायद, ये तो वैसे ही गलत हो गया, वो ब्यूड वर्ड ही मिसिंग है। अब इसने तो एक जो डिश बनाने के लिए एक आइटम पनीर का टुकड़ा दिया था, पनीर ही खा गया, शेफ भूखा था, वो पनीर खा गया, ब्यूड तो गायब हो गया, आई थिंक नहीं है, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। वाइल नाउ आई थिंक नाउ, तो ये तो ऑप्शन गया, अब हम चेक करते हैं, और ये वाला चला गया ब्यूंग, तो मेरे पास सी बचा है और ए बचा है, चेक करें। अब हम लोग क्या करेंगे, सी और इसका फर्स्ट लाइन और इसका फर्स्ट लाइन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक दिस, चेक करते हैं फोकस किस बात पे है, चेक करें, एंड वर्ड ऑर्डर, डज इट मेक सेंस और नॉट एवरीवन। चलो सब लोग ट्राई करो, ट्राई दिस वन, डेजल्ट एविएशन द फ्रेंच मेकर ऑफ द रफाल जेट्स ब्यूड द चॉइस डेजल्ट ओके। अब आप जानते हो मॉडिफायर्स ओके, इधर आओ, हाँ ये वाला, अगर आप मॉडिफायर्स जानते हो तो मेरी जो क्लास है 500 इलेक्ट्रिकल सीरीज जो रात को 9 बजे चलती है 1 आवर का लाइव क्लास, उसमें मैं बताता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस के फ्रंट पर ई डी आई एन जी हो तो चेक करो कि वो आया किसके लिए है, समझा कि नहीं, सही वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। यार देखो, डेजल्ट एविएशन ने व्यू किया है, ठीक है ना, डेजल्ट एविएशन द फ्रेंच मेकर ऑफ राफेल जेट्स, ये कंपनी का नाम है डेजल्ट, ब्यूड द चॉइस ऑफ अनिल अंबानी, अनिल अंबानी की ठीक है चॉइस को देखा है, तो करेक्ट जा रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, व्यूइंग ये तो गलती था, बिकॉज द चॉइस ऑफ अनिल अंबानी रिलायंस एज ऑप्शन वॉज व्यूड एज मैंडेटरी वॉज व्यूड बाई डेजल्ट एविएशन, तो आना चाहिए था ना, तो ये वाला हमारे पास गलत हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, डेजल्ट एविएशन ने व्यू किया है, ब्यूट किया था चॉइस ऑफ अनिल अंबानी, क्लियर, ए करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन इतना बड़ा सा दिख रहा है लेकिन वी कैन सॉल्व लेट्स से विद इन 30 सेकेंड इफ यू कैन नोटिस द
चलो आप जाओ, फिर बाद में बताता हूँ मैं, नहीं तो आप आपको हिंट मिल जाएगा। ट्राई करो सब लोग। एयर पैसेंजर विल हैव टू वेट, विल हैव टू वेट लॉन्गर। अ वेवर ऑन टिकट कैंसिलेशन फीस एंड अदर राइट्स द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री प्रॉमिस्ड इन अ ड्राफ्ट राइट चार्ट इन मे एज इट हैज बीन पुट अप फॉर रिव्यू इन लाइट ऑफ द स्ट्रेस इन द एविएशन बिजनेस। तो तीन चार चीजें हाईलाइट कर ली, इन्हीं पर कुछ ना कुछ गेम हो जाएगा। अब चेक करते हैं, बीबल ओके, एयर पैसेंजर। तीन लोग तो एक जैसे, फर्स्ट इंप्रेशन, एक टेढ़ा है, जो टेढ़ा है वो मेरा नहीं है, भगा दो इसको। हाउ डू आई नो, ऊपर जाओ, एयर पैसेंजर इज द टॉपिक ना, दिस होल स्टोरी इज अबाउट एयर पैसेंजर्स, तो वहीं से स्टार्ट होगी ना, द बीआईपी पर्सन, द फोकस्ड आइडिया, थैंक यू। तो ये वाला गया, अब आओ चेक करते हैं, विल हैव टू वेट फॉर, सब लोग चेक करो, वेट फॉर, वेट ऑन, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर योर सक्सेस। जब आप मुझे गिफ्ट दोगे, मीठा खिलाओगे, गिफ्ट नहीं मीठा, आई लव स्वीट्स, तो आई विल वेट फॉर योर सक्सेस मीन्स फॉर इज करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या लिखा है, वेट टू, ये भी गलत, हालांकि मैं हमने पहले ही हटा दिया था, वेट टू लिखा है, और इसमें लिखा है वेट ऑफ, वेट ऑफ, वेट टू, वेट ऑन, वेट फॉर, यू नो द स्टोरी, आपका दिल बोल रहा है कि वेट फॉर करेक्ट है। तो एक्चुअली आपको ये पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा, आपने वर्टिकल रीडिंग अप्रोच यूज करी, मेरा ट्रिक यूज करा कि कैसे सेम वर्ड को कंपेयर किया जाए, और यू गॉट योर आंसर। एयर पैसेंजर विल हैव टू वेट लॉन्गर फॉर अ वेवर, वेवर जो छूट मिलता है, ठीक है, ऑन टिकट कैंसिलेशन फीस एंड अदर राइट्स दैट द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री प्रॉमिस्ड इन अ ड्राफ्ट राइट्स चार्ट इन मे एज इट हैज बीन पुट अप फॉर रिव्यू। सब परफेक्ट जा रहा है, ओके, नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, चलो। द प्रोविजनल एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 शोड, आप भी ऐसे नजर मारा करो, पुट अप फॉर, प्रीपोजिशंस एंड वर्ब्स, ठीक है, सब लोग रीड करो क्विकली, एवरीवन रीड, दैट लैंड ओनिंग्स हैव कंटिन्यूड देयर, ठीक है, प्रोनाउन को भी चेक किया करो, कंटिन्यूड, डिकेड्स लॉन्ग ट्रेंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन लीडिंग टू अ फर्दर, लीडिंग ING फर्दर राइज इन द प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मैं काम करता हूँ, लीडिंग ING ईजिली नोटिसेबल वर्ड, शोड ED ईजिली नोटिसेबल वर्ड, लेट्स यूज वर्टिकल रीडिंग अप्रोच एंड रूल आउट। चलो और रूल आउट करते हैं, लीडिंग, सॉरी, शोइंग और शोड, ED पास्ट टेंस, रूल आउट, शोइंग, ठीक है, शोइंग, 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 शू, शू, अभी भगा दिया, शोड, चलो अब मेरे पास में ये शोड लिखा है, और कहाँ है, हे ये भी गया, प्ले विद द वर्ड्स, लर्न टू प्ले विद द वर्ड्स, ओके, मेरे रास्ते से चलो, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ क्रॉस लगा कर छोड़ देना है, वेरीफाई करना है ऑफकोर्स, लेकिन एक आपका दिल कह रहा है कि सर जी SHOWED पास्ट टेंस था ना, तो फिर पास्ट टेंस ही होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन में लिखा है द मीनिंग शुड नॉट चेंज एट ऑल, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। मेरी ऐसी कहानियां मेरे साथ रहो, बड़े बड़े पैराग्राफ में ऐसे ही सॉल्व करा देता हूं मैं आपको, मेरे तरीके से, ये नया तरीका है, ऐसे आपने कभी नहीं सुना है, नहीं तो लोग, आप लोग पढ़ते रहते, ट्रांसलेट करते रहते, फिर कुछ समझ में आता नहीं आता, फिर कहते ये आंसर करेक्ट है, नाउ यू नो कि यस सर ये गलत है, क्योंकि ये हमारे कम्युनिटी का नहीं है, ये मेरी जाति का नहीं है, ओके, चलो। सो शोइंग, शोइंग और शोइंग गया, तो करेक्ट कौन सा गया फिर, ये गायब हो चुका है, ये गायब हो चुका है, और ये तो ये करेक्ट है। अब पढ़ लेते हैं, द प्रोविजनल एग्रीकल्चर सेंसस, जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा था वही वर्ड ये स्टार्ट कर रहा है,
First impression. Thank you. The provisional aggregate assessors showed that the land holdings have continued there. They are continued. ये भी चल रहा है, ठीक है? और देखो, lead लिखा है. Leading होना चाहिए था ना? ये गलत है कि नहीं? दो-दो मौत मरा है ये बंदा. दो-दो वजह से मरा हुआ है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? Okay. चलो. तो guys, मैं आपको ऐसी कहानियाँ पढ़ाता रहूँगा. एक short video था. It just to help you understand कि yes, English language में tricks होती हैं. बस हमें पता नहीं था, हो सकता है हमें पढ़ाया नहीं गया था. Okay? अब आपके पास चांस है to be awesome, to learn the awesome tricks, solve within second. I will change completely. आपको जो perspective है, the way you learn, the way you do things, I will change everything. So go for it. मेरा plus course है, वो आप join कर लो. ठीक है, वहाँ ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत दो-दो घंटे आवर्स में पढ़ा रखी हैं. सपोज आपको अगर ये पसंद आया है तो पहले लाइक शेयर कर देना, ऑफ कोर्स कमेंट कर देना. और तो सोचो कि जब दो-दो घंटे की क्लासेस में आपको आए कितना मजा आएगा. 20 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर देंगे विद इन सेकंड्स. सो एक इन दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एक चीज़ है, ठीक है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी तो मैं दिला दूंगा आपको, INGED पता चल जाएंगे आपको. बट स्पीड कैसे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो. तो इंग्लिश को लेकर के टेंशन मत लो. मैंने जो कोर्स करा दिया वो कंप्लीट है. वो पढ़ना, कोई बुक्स नहीं पढ़नी आपको. वो और आपको टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और ट्रिक्स मेरे वहाँ पे हैं इनफ. ठीक है, यूज़ दिस कूपन कोड. ठीक है, जितने भी लोगों को आप जानते हो, अपने कॉलेज वाले, सबको इन्फॉर्म कर दो कि भाई इंग्लिश में आज के बाद फेल मत होना. और पूरा इंडिया, पूरा भारत देश कंप्लेन करता है, इंग्लिश सेक्शन आई डोंट अंडरस्टैंड. सबको मेरे पास भेजो. ऑल द बेस्ट. एंड गाइज, लाइक शेयर कर देना. ऑल द बेस्ट. ठीक है, मेरा कूपन कोड जरूर याद रखना, नरेन लाइव. यूज़ करो और आ जाओ. ठीक है, शेयर विद एवरीवन. गुड नाइट एंड सी यू टुमारो. एवरी डे कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, मॉक टेस्ट एंड क्लासेस. थ्री एक्टिविटीज सबको पता है ना. ये तीन एक्टिविटीज नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. रिमेंबर, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मॉक टेस्ट और क्लासरूम. क्लास तो आप करते रहते हो, लेकिन ये यूट्यूब क्लासेस तो क्या है, हमारी प्रैक्टिस के लिए होती हैं. लेकिन एक बार जब आपको नया तरीका मिला है तो फिर दोबारा से पढ़ लो. यू नेवर नो. और आपने कितनी बार ग्रामर पढ़ रखी हो, आपको 40% नई स्टोरियाँ दूंगा मैं. एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम फोकस्ड. ऑल द बेस्ट.